आरसीबी वुमेन ने यूपी को 23 रन से हराया। कप्तान हेली के अलावा सभी बल्लेबाज हुए फेल। नमस्कार दोस्तों, आप सबको मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आपको बता दें, आज महिला प्रीमियर लीग का 11वां मैच यूपी वॉरियर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जा रहा था। यूपी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। आरसीबी ने 20 ओवर में 3 विकेट खोकर 198 रन का लक्ष्य दिए। इसके जवाब में यूपी 8 विकेट खोकर 175 रन ही बना सकी। तो दोस्तों आपको बता दें, आरसीबी के खिलाफ यूपी की शुरुआत काफ़ी मजबूत थी। अच्छी 3 ओवर में के बाद टीम का स्कोर बिना किसी नुकसान 40 रन पर था। एलेस हेली और किरण नवगिरे क्रीज पर थी। तो बता दें दोस्तों, घातक गेंदबाजी के लिए मशहूर सेफी डिवाइन ने यूपी वॉरियर्स को पहला झटका दिया। उन्होंने सलामी बल्लेबाज के लिए आई किरण को 5वें ओवर की 2री गेंद पर आउट कर दिया। 11 गेंद में 18 रन बनाकर हुई आउट। 3रे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए चमारी आई। चमारिया टपट्टू एक बार फिर कुछ खास कमाल नहीं कर दिखाई। 3रे नंबर की बल्लेबाजी के लिए आई 34 वर्षीय ऑलराउंडर सिर्फ 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। उन्हें बेरहम ने LBW के जरिए आउट किया। 4थे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए ग्रेस हैरिस आई, 5 रन बनाकर हो गई आउट। उन्हें सोफिया डिवाइन ने अपना शिकार बनाया। 8 ओवर के बाद टीम को स्कोर 80-3 था। आरसीबी के खिलाफ यूपी का बल्लेबाजी क्रम संघर्ष करता दिख रहा है। 5वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उत्तरी श्रेता सरावत 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। उन्हें आशा शोभना ने आउट किया। फिलहाल क्रीज पर एलिसा हेली और दीप्ति शर्मा खेल रही थी। तो दोस्तों, यूपी की कप्तान एलिसा हेली 55 रन बनाकर आउट हो गई। वही इस मैच में आरसीबी के खिलाफ अब तक सर्वाधिक रन बनाने वाली बल्लेबाज है। 7वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए पूनम खेमकार उतरी है। 13वें ओवर के बाद टीम का स्कोर 118 रन था 5 विकेट के अनुसार। दीप्ति शर्मा 33 रन बनाकर आउट हो गई। यूपी वॉरियर्स का 6ठा विकेट 18वें ओवर की 4थी गेंद पर गिरा। भारतीय खिलाड़ी को आशा शोभना ने आउट किया। फिलहाल क्रीज पर पूजा और सोफी है। यूपी का 7वां विकेट सोफी इलेक्ट्रोस के रूप में गिरा। उन्हें बेरहम ने बोल्ड किया। सोफी 3 गेंद पर 4 रन बनाकर आउट हुई। फिलहाल पूनम 31 रन और अंजलि 3 रन बनाकर खेल रही थी। उसके बाद दोस्तों आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पर आरसीबी की गेंदबाज मलेनेक्स ने पूजा खेमकार को आउट कर दिया। यूपी को यह 8वां झटका लगा। आवाज 24 गेंद में 31 रन बनाकर आउट हो गई। हालांकि टीम एक बार फिर आरसीबी के खिलाफ मुकाबला हार गई। मंदना की टीम ने यूपी को 23 रन से हराया। तो दोस्तों बता दें, यूपी आरसीबी की तरफ से सबसे ज़्यादा मेघना, जो कि 28 रन बनाए थे कैश बॉल में, और स्मृति मंदना 50 बॉल में 80 रन बनाए 10 चौवा और 3 गगनचुम्बी छक्कों के साथ, और एलेस पेरी जो कि 37 बॉल पर 58 रन बनाए 4 चौवा और 4 छक्का की मदद से, रिचा घोष 10 बॉल में 21 रन 2 चौवा और 1 छक्का की मदद से। तो चलिए दोस्तों, पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए।